नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, अब जो वीडियो लेकर के हम आपके सामने आए हैं वो ज्ञानवर्धक है और जानकारियों से पूर्ण है। आपने सुना होगा कि 84 लाख योनियां होती हैं। ये 84 लाख योनियां होती कौन कौन सी हैं? बोल तो दिया गया, बड़ा आसान है बोलना, लेकिन ये 84 लाख योनियां वास्तविकता में हैं क्या? हमारी शास्त्रों के अंदर बताया गया कि 4 प्रकार की सृष्टि होती है, उद्भिज, अंडज, श्वेतज और जरायुज। उद्भिज जमीन से उत्पन्न होने वाली। अब जमीन से उत्पन्न होने के लिए नीम भी है, पीपल भी है, बरगद भी है और भी अन्य अन्य बहुत से पेड़ हैं। इसके सिवाय कितनी ही जड़ी बूटियां, कितने ही प्रकार के घास। तो ये जो उद्भिज हैं जमीन से उत्पन्न होने वाले, ये भी कई लाखों में होते हैं। प्रायः 20 लाख जो है ये होते हैं। अब इसके पश्चात श्वेतज, श्वेत कहते हैं पसीने को। अब पसीना जो है उससे जो उत्पन्न प्राणी होते हैं, जैसे खटमल हैं, जैसे जूं हैं जो सर के अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। खटमल खटिया में होता के, चारपाई में होता के, पलंग में होता के। तो इस तरह से पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव भी बहुत प्रकार के होते हैं। कहते हैं भाई नित्य प्रति स्नान करो, क्योंकि जीवाणु उत्पन्न होते हैं शरीर से, तो वो जीवाणु नष्ट हों। तो जो पसीने से उत्पन्न होने वाले हैं वो भी बहुत प्रकार के प्राणी हुआ करते हैं। अब इसके पश्चात शास्त्र ये कहता है कि भाई तीसरी सृष्टि कौन सी है? उद्भिज बताया जो जमीन से उत्पन्न होती है, श्वेतज बताया जो पसीने से उत्पन्न होती है, और तीसरी है अंडज, अर्थात अंडे से उत्पन्न होने वाली सृष्टि। तो अंडे से उत्पन्न होने वाली सृष्टि में भी कई लाख जीव आ जाते हैं। जितने पक्षी हैं ये सब अंडा देते हैं। नाग है ये भी अंडा देता है, मछली है ये भी अंडा देती है, और कूर्मा यानी कछुआ वो भी जो है अंडा देता है। तो वो अंडे से उत्पन्न होने वाली जो सृष्टि है वो भी कई लाख होती है। और उन कई लाखों के अंदर आप कहां तक गिनोगे, किस किस को देखोगे, ये तो सूक्ष्म दृष्टि थी हमारी ऋषियों की, जिन्होंने उनकी पहचान की। तो कई लाख वो होती हैं। अब आती है चौथी सृष्टि, और चौथी सृष्टि जो होती है वो होती है जरायुज, यानी जेर से उत्पन्न होने वाली, गर्भ से उत्पन्न होने वाली। तो गर्भ से उत्पन्न होने वाले में जितने भी पशु हैं ये गर्भ से उत्पन्न होते हैं। गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, हाथी है, ऊंट है, शेर है, चीता है, गीदड़ है, भालू है, ये सब गर्भ से उत्पन्न होने वाली सृष्टि हुआ करती है। और उन्हीं के अंदर मनुष्य भी है, ये भी गर्भ से उत्पन्न होता है। तो ये भी कई लाख होती हैं। तो उन लाखों 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 को जोड़ने के बाद में फिर ये सृष्टि की गणना लगभग 84 लाख पहुंच जाती है। और यही शास्त्रों में लख 84 जून यानी योनियां। किसी सज्जन ने कहा था योनि जो है शरीर के छिद्रों को कहा जाता है,
ठीक है छिद्र भी योनि ही है, लेकिन जहां से उत्पत्ति होती है उसको योनि कहा जाता है। योनि जहां से जन्म होता है, चाहे वो जमीन का हो, चाहे जमीन से हो, अंडे से हो, पसीने से हो और गर्भ से हो, ये उत्पत्ति होती है। और गर्भ में जो जीव होता है, अब कौन कौन सा जीव किस किस योनि के अंदर जाता है ये तो उनके कर्मों का फल होता है। लेकिन हाँ, 84 लाख योनियों के अंदर मनुष्य का जो शरीर है ये सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, और ज्ञान भी इसी को होता है। और बाकी जितनी योनियां हैं वो कर्म भोग के लिए आती हैं। देखिए, पाप जो है मनुष्य को लगता है और बाकी जीवों को नहीं लगता, क्योंकि जीवो जीवस्य भोजनम, जीव जीव का भोजन होता है। छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, उससे बड़ी मछली उसको खा जाती है, उससे बड़ी मछली उसको खा जाती है। तो एक जीव दूसरे जीव का जो है भोजन है, ये परमात्मा ने इस प्रकार का जो है उनका माध्यम बनाया है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है, उसको ज्ञान की प्राप्ति है, ये कर्म भोगने के लिए भी आया है और कर्म करने के लिए भी आया है, यानी पुराने प्रारब्ध को काटने के लिए आया है और नया प्रारब्ध बनाने के लिए आया है। तो मनुष्य का जीवन के, इसलिए गोस्वामी जी ने भी कहा है कि बड़े भाग मानस तनु पावा, बड़े भाग्य से जो है मनुष्य का शरीर मिलता है। 84 लाख योनियों को भोगते भोगते कई बार तो ऐसा होता है एक एक दिन में कई योनियां भोग लेते हैं, जीते हैं मरते हैं, जीते हैं मरते हैं। अब मच्छर है, शाम को पैदा होता है, सुबह समाप्त हो जाता है। तो इसी तरह से बहुत से जीव हैं जो एक एक दिन के अंदर कई कई योनियां भोग लेते हैं, लेकिन फिर भी 84 लाख योनियों को भोगते भोगते हमें लाखों वर्ष गुजर जाते हैं, करोड़ों वर्ष गुजर जाते हैं, तब जाकर के मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। अगर शेर किसी का शिकार करता है तो उसको पाप नहीं लगता, क्योंकि वो उसका भोजन है। लेकिन मनुष्य अगर किसी का शिकार करता है, या अगर वो मांसाहारी है, नॉनवेज सेवन करने वाला है, तो ये मनुष्य के लिए पाप है। क्योंकि जितने जो जीव हैं उनकी भी पहचान बताई है शास्त्रों के अंदर। एक जीव ऐसा होता है जो जीव से पानी पीता है, जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, शेर है, चीता है, भेड़िया है, ये जीव से पानी पीते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो होंठ से पानी पीते हैं। तो जीव से जो जीव पानी पीने वाले हैं वो मांसाहारी होते हैं, जीव से पानी पीने वाला शेर है, भेड़िया है, कुत्ता है, बिल्ली है, तो ये जीव से पानी पीते हैं। आपने कभी भी गाय को जीव से पानी पीते नहीं देखा होगा, कभी बकरी को जीव से पानी पीते हुए नहीं देखा होगा, कहीं भी भैंस को जीव से पानी पीते हुए नहीं देखा होगा, कहीं ऊंट को भी आपने जीव से पानी पीते हुए नहीं देखा होगा। तो ये हैं शाकाहारी, और जीव से पानी पीने वाले हैं मांसाहारी। तो मनुष्य को हम किस गिनती में लें, ये जीव से पानी पीता है या होठों से पानी पीता है? क्योंकि मनुष्य होठों से पानी पीता है, पात्र से पिएगा तो भी होठों से पिएगा, और ओक लगा के पिएगा तो भी होठों से पिएगा, अगर वो झुक करके कहीं पानी पी रहा है तो भी जो है वो होठों से पानी पिएगा। तो मनुष्य मांसाहारी नहीं है, और उसको जो है पाप लगता है, और वही फिर आगे जाकर के 84 लाख योनियों में गुजरते हैं और अपने अपने कर्मों को भोगते गए, और फिर कहीं जाकर के करोड़ों वर्षों के अंदर उसको जो है मनुष्य का शरीर पुनः प्राप्त होता है। तो इतना ही कहकर के मैं वाणी को विश्राम दूंगा। बाकी आपको जानकारियों के लिए नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से जो है आप अपॉइंटमेंट लेकर के और कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके जो भी आप जानना चाहते हैं वो जान करके लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं
7838889841 देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुला मुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838889841। हमारी वेबसाइट है www.श्रीवशिष्ठ.com।